मुझे लिख के दिया है। उसमें आत्म साक्षात्कार की कसौटी क्या है? तो आत्म साक्षात्कार की कसौटी महर्षि ने अपने शब्दों में जो बोला वो मेरे को उसने लिख के दिया, तो मैंने उसको पूरे के पूरे को पेस्ट कर लिया। कल रात को ये बुक मेरे हाथ में आई तो वो फिर बहुत दिनों के बाद मैंने पढ़ा। आप तो आत्म साक्षात्कार की कसौटी पढ़ रहे हैं, एक कसौटी महर्षि की भी बात बताई देखी। महर्षि ने जो बताया है, जस्ट हैव अ लुक एट दैट। मैंने महर्षि से पूछा कि हमें मिथ्यात्व निश्चय हो गया है, इसका कैसे पता चले? हंसते हंसते बोले, पुस्तक में तो पढ़ने को मिलेगा कि अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त वस्तु का बाध हो गया। अधिष्ठान का मतलब रज्जु, अध्यस्त मतलब सर्पेंट, व्हाट एवर वी सी इन द भ्रांति में। तो अध्यस्त इज नॉट ए रियलिटी। तो अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त वस्तु का बाध हो गया। तो पहले तो भ्रांति से सर्प समझा, पर जब बताया गया कि भाई ये रज्जु है तो अब अध्यस्त वस्तु इज नो मोर, यू नो, इज ए इशू। लेकिन ये तो है पुस्तक का ज्ञान, लेकिन अभी महर्षि बता रहे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे अनुभव में अधिष्ठान से अतिरिक्त भले ही बाधित रूप से अध्यस्त नाम की कोई वस्तु बनी रहेगी, तब तक समझना तुम्हारा मिथ्यात्व निश्चय अधूरा है। नाउ अधिष्ठान इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कृष्णा, बिकॉज ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म, भागवत के कृष्ण और गीता के पुरुषोत्तम, महर्षि का वाक्य है ये तीन तीन नहीं है, एक ही है। तो कृष्ण का अगर कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अनुभव में अधिष्ठान से अतिरिक्त भले ही बाधित रूप से अध्यस्त नाम की कोई वस्तु बनी रहेगी, मीन्स कृष्णा अलोन इज द ट्रूथ, उसके बाद कुछ भी नहीं है, जो भी है कृष्ण ही है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और वी कॉल इट ब्रह्मन। तो तब तक समझना कि तुम्हारा मिथ्यात्व निश्चय अधूरा है। एक बार मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर फिर न भय है न लालच, वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, अधिष्ठान से अलग अध्यस्त वस्तुता है ही नहीं, यही निश्चय होना चाहिए। तो ये लॉन्ग एगो शी रोट दिस, मे बी 15-20 साल हो गए, तो मैंने रख रखा था। तो कल कोई चीज़ के लिए मैं देख रहा था, ये मेरी डायरी है। सही ढंग है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम भक्त्या मां जानाति यावान् निश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा 18वां अध्याय, न सोचते न कांक्षते, कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम भक्त्या मां अभी जानाति यावान् निश्चास्मि ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्। आज का पृष्ठ तो बहुत सिंपल है। टुडे महर्षि विल बी एड्रेसिंग इशू वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर वांटिंग टू हैव ध्यान। तो ध्यान के अंदर जब तक महत्व बुद्धि संसार में किसी भी वस्तु के लिए है, तब तक वो ध्यान नहीं लगेगा। इसमें महर्षि और भी बहुत बातें बताते थे, एक अपने खुद की ऐसे विनोद के लिए बताते थे कि बिहारी जी में जूता नया था तो ऐसी जगह खोल दिया कि वहाँ बिहारी जी का दर्शन भी हो रहा है जूता के तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मतलब ध्यान नहीं होगा, यानी बिहारी जी का जो प्यार है वो तो हमारा भी जूतों से जब तक प्यार है, उसी प्रकार कोई पोटली है उसमें बहुत वैल्यूएबल है, उसको रख के और हम लोग ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैल्यूएबल जो रखा है बगल में कोई उठा के नहीं ले जाए। तो इसीलिए महर्षि आज के पृष्ठ में बताएंगे कि कर्पात्री जी महाराज ने एक बात कही
किसी ने कहा कि भगवान में मन नहीं लगता, तो करपात्री जी महाराज ने कहा कि जहाँ प्यार होता है वहाँ मन लगता ही है, यानी मन लगाना नहीं पड़ता है, जहाँ प्यार है वहाँ मन लगेगा ही। तो ये एक बहुत बात समझने की है आज के पृष्ठ में। तो महर्षि बताएंगे कि एक वो क्या है, हमारे जो ब्रदर है वहाँ अमेरिका में 1962 में गए थे, 50 साल से ज़्यादा हो गए, तो इंडिया में आते हैं तो एक उन्होंने एक बना रखा है, उसमें ऐसा कुछ पर्स जैसा है, तो उसमें पासपोर्ट ये सब उसी में रखते हैं, बाकी और कुछ भी हो जाए पर वो जो है एटीएम और जो भी है तो ये तो उसका चला गया ना, मोदी का अमेरिकन दानुकर जी वाले कमरे में था तो पूरा ले गए वो, फिर वो इमिडिएटली है टू इन्फॉर्म अमेरिका एटीएम और सब मतलब बहुत कॉमन है। ये गोविंद देव जी हैं जयपुर के, ये रमण महर्षि हैं। तो आज बाहर की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि ध्यान में बाधक है, आनंद रत्नाकर 4 नवंबर, ध्यान और ज्ञान। महर्षि की एक बुक है जिसमें ध्यान के ऊपर भी बहुत सुंदर, और ज्ञान इन व्हाट वे द द्वैत ज्ञान इज डिफरेंट देन ध्याना, ही एक्सप्लेन्स इन दैट बुक। तो ऋषिकेश में हमारे एक ध्यानी महात्मा थे, पेड़ के नीचे बैठते और ध्यान करते। एक दिन वहाँ कोई सेठ जी पहुँच गए, जाकर उन्होंने महात्मा के सामने पुराने जमाने के चांदी के 25 रुपये आजकल के 200 रुपये के बराबर रख दिए। यानी ये तो महर्षि जब टॉक दे रहे हैं जब ही 200 रुपये के बराबर है, आज वो 25 चांदी के रुपए विल बी यू नो मे बी अनदर 2000, वो 200 का मतलब 10 times अभी हो गया है, तो 2000 rupees। तो साधु ने कहा बाबा हम मांग कर खा लेते हैं और पेड़ के नीचे सो जाते हैं, है ना, ये रुपए लेकर क्या करेंगे। सेठ को मना किया साधु ने, तो सेठ ने कहा नहीं महाराज अब तो हमारी जेब से निकल गया है ना, आप किसी को दे देना जो मौज हो सो करना। इसी वो लिया नहीं उसने सेठ ने वापस। अब सेठ जी तो चले गए। अच्छा, साधु के सामने ये फर्स्ट टाइम ये इस प्रकार का इशू आया, क्योंकि पहले कभी वो रखते भी नहीं थे पैसा, और कोई है ना किसी का देने का प्रश्न भी नहीं था, और जब मना कर देते भाई हम नहीं रखते हैं तो सामने वाला नहीं देगा। तो अब सेठ जी तो चले गए, जब साधु जी बैठे ध्यान करने तो सोचने लगे कि 25 रुपये का भंडारा कर दें तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारे इन्होंने किया ना भंडारा उड़िया बाबा आश्रम में प्रत्येक गोदानंद जी ने, 2000 रुपये में हो गया भंडारा, 25 रुपये में उस दिन उन दिनों भंडारा हो जाता था, 25 रुपये यानी 2000 रुपये। तो अच्छा कपड़े खरीद कर गरीबों को बांट दे, 25 रुपये में तो 100 गज कपड़ा आ जाएगा। अब विचार आया कपड़े भी लोग नंगा देख कर दे देते हैं, कोई बीमार होता है तो दवा नहीं मिलती इसलिए दवा मंगा ले। तो एक साथ 5-7 संकल्प महात्मा के हृदय में उठे। उसने कहा राम राम, कहाँ तो मैं वृत्ति को अपने लक्ष्य में एकाग्र करने में लगा था और कहाँ ये संकल्प पर संकल्प। तो वह महात्मा अपने गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी ने बात सुनी और कहा कि बाबा ये जो 25 रुपये है ना तुम्हारे पास, ये बड़े कीमती हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनसे भंडारा हो सकता है, कपड़े खरीदे जा सकते हैं आदि आदि। तुम्हारी महत्व बुद्धि साक्षी होकर बैठने में है कि तुम्हारी बुद्धि पैसों को महत्वपूर्ण मानती है? क्वेश्चन बाय द गुरु टू द डिसाइपल। तुम्हारी महत्व बुद्धि साक्षी होकर बैठने में है कि तुम्हारी बुद्धि पैसों को महत्वपूर्ण मानती है? नाउ दिस क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ अस हु इज गोइंग टूवर्ड्स गॉड। महत्व बुद्धि हमारी कहाँ है? तो खैर गुरुजी को तो मालूम था कि इसकी बुद्धि साक्षी होकर बैठने में है, तो देखो ये सजेस्टेड छूना नहीं अपने हाथ से पैसों को,
चांदी के रुपए है ना, ले जाकर गोबर डालो उनके ऊपर और गोबर डालकर उनको कस लो और कसकर गंगा जी में डाल दो, कसकर पकड़ लो और उसके बाद गंगा जी में डालने के बाद ध्यान करने बैठो। तो महर्षि सेज के अब उस महात्मा ने गुरु जी की आज्ञा से जो ही उन रुपयों को गंगा जी में डाला और ध्यान करने बैठे, वह निर्द्वंद ध्यान लगा कि बस है ना। तो कोई तो वही मैं बता रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो भी हम साधना करते हैं है ना, या इवन पढ़ाई, साधना की बात नहीं है, पढ़ाई भी, इसको मार्कोनी अवार्ड मिला तो इसका मतलब कितना उसमें कॉन्सेंट्रेशन और है ना, खाली हम तो अध्यात्म को लेकर ही बात कर रहे हैं, दोनों विषय बुद्धि जो है सुचिर दक्ष है। भगवान ने ज्ञानी भक्त का उसमें गीता के बारे में अध्याय में कहा है, वो सुचि पवित्र तो होता ही है और दक्ष कुशल भी होता है, तो इज दक्ष इन एवरीथिंग। लोगों को लगता है कि भक्त या ज्ञानी किसी काम का नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना, दक्ष माना गया है। दक्ष माना गया मतलब टोटल जो भी काम करेंगे उसमें टोटल कॉन्सेंट्रेशन। तो निर्द्वंद ध्यान लगा किसका, उसका शिष्य का। अब महर्षि कह रहे हैं देखो पैसों की जो समस्या आ गई थी वो छूट गई है ना, गुरु जी ने उपाय बता दिया और उसने कर लिया। अच्छा एक और प्लस पॉइंट क्या, इतना ही नहीं, वह जो गुरु जी की आज्ञा का पालन किया उससे अहम भाव का उदय नहीं हुआ। यदि वे महात्मा अपने मन से रुपयों को फेंकते तो हमने रुपयों को फेंक दिया इसका अहम भाव उसके मन में आ जाता, और अहम भाव आ जाने पर फिर ध्यान आदि नहीं लगता, फिर अपने कर्तृत्वपने का, अपने त्यागीपने का ध्यान होता कि मेरे जैसा त्यागी और कौन है जिसने आए हुए रुपयों को फेंक दिया। तो अंत में महर्षि कह रहे हैं कि ये जो बाहर की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि है, आकर्षण है, यह ध्यान में बाधक है। तो ध्यान में बाधक है मतलब जो भी हम साधना कर रहे हैं, ध्यान की या जप की या है ना पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, नहीं ना भगवान से प्रेम, तो उसमें बाहर की वस्तुओं के प्रति जो महत्व बुद्धि है, आकर्षण है, वो हमेशा बाधक रहेगा ही। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट महर्षि का पॉइंट है आज के प्रश्न में जो ध्यान देने लायक है। अभी इससे सुनेंगे थोड़ा क्योंकि कुछ पढ़ते रहते हो ना, तो ये पॉइंट नोट कर लेता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने अनर्थों को अपने आप ही छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ने का बोलता है मैंने छोड़ दिया। बहुत आनंद है, इम्पोर्टेंट है लास्ट पॉइंट, क्योंकि अपने त्याग का वो अभिमान बना रहे हैं। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन।